बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग बाबा तुलसी मानस विवेक तो तभी आता है प्यारे जब सतसंग किया जाए। बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वैः अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बहुजन्म समर्जितेन तब भाग्योदय। देखो बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता, ये कन्फर्म है। लेकिन सत्संग कब मिलता है? जब राम कृपा, भगवत कृपा। भगवत कृपा के बगैर सत्संग नहीं मिलता प्यारे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हम बहुत जन्म तक पुण्य करते हैं तब भाग्य बनता है, और भाग्य का सूरज जब उदित होता है ना तब हमें सत्संग मिलता है प्यार। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये भागवत हर किसी को नहीं मिलती प्यारे। वरना सोचो ये आसपास का गांव मिलाकर कितनी जनसंख्या हो जाती है। मैं जब वो जिगना से इधर मुड़ता हूं रास्ते में कितने गांव आते हैं, सुंदर सुंदर गांव, अच्छी सड़कों वाले गांव, खड्डे वाले, जो पानी वानी भी बहुत भरे हैं। पहले दिन तो मैंने सोचा कि इसमें भैंस रहती है, आदमी चलते हैं। अब इतनी सारी जनसंख्या को मिला लिया जाए तो ये ग्राउंड में इतने लोग नहीं आ पाएंगे। यदि सभी लोग आ जाएं, और इन गांव को छोड़ो दो चार गांव यदि मिल जाए तब भी इस ग्राउंड में नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी कथा में उतने लोग ही पहुंच पाते हैं जितने लोगों पर प्रभु की कृपा है। हर कोई नहीं पहुंच पाता है। जब तक हरि कृपा न हो तब तक कथा में आना संभव ही नहीं है। ये आप लोग जितने लोग यहां बैठे हो ना, मैं भरोसे के साथ कहता हूं भगवान की आप पर विशेष कृपा है तब आप कथा में पधार पाए हो, वरना कौन यहां पहुंच पाता। हरि कृपा के बगैर संभव नहीं। जिसको कन्हैया स्वयं बुलाता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्म तक पुण्य एकत्र करने के बाद तब ये कथा प्राप्त होती है। नारद जी बड़े खुश हुए। नारद जी ने कहा कि आज महाराज मुझे भरोसा हो गया, बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता।
रहु गणै तत्तपसान जाति। राजा रहुगण ने ये बात कही पांचवें स्कंद में श्रीमद् भागवत के। रहुगणै तत्तपसान जाति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद् वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैः विना महत् पादरजोऽभिषेकम्। ये जो ज्ञान है ये कब मिलता है? बोले विना महत् पादरजोऽभिषेकम्, बिना किसी महापुरुष के चरणों में बैठे ये ज्ञान नहीं मिलता है। आप रामायण का पाठ कर लो, भागवत का पाठ कर लो, किताबें पढ़ लो, पंडित हो सकते हो, शब्दों के ज्ञान हो सकते हैं आपको, लेकिन वास्तविक ज्ञान तो तब होता है जब कोई संत महापुरुष कृपा करे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।